उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक बंसीधर भगत ने एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और छात्राओं के बीच कहा कि जब विद्या मांगने की बारी आती है तो सरस्वती को पटाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ और अगर शक्ति चाहिए तो दुर्गा को पटाओ। बीजेपी विधायक की बातें सुन वहां कार्यक्रम में बैठी महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का रह गई। वहीं पीछे बैठे अन्य अतिथिगण ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। आज बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोजी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष किया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को महिलाओं को एक विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आदमी के पास है क्या, एक सिद्धि है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को फैली ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरसा से ठंडे में झूम रहे हैं और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में चारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सचिव क्या हूं तो पर्वत हाथ मैं पूर्व से ही भगवान ने कर। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज।